Raghunadamma Utsala Jaladitaranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashish Mange Gahe Tava Jaya Gatha Janagana Mangala Dayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He सबसे निवेदन कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें और अब हम राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री नंद कुमार साई जी से निवेदन करेंगे हमारे आज के आयोजन के मुख्य अतिथि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी को शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें ये शॉल नागालैंड की जनजाति द्वारा बनाई गई है श्री साई से निवेदन कृपया माननीय उपराष्ट्रपति जी को नागा ट्राइबल वॉरियर हेडगियर भेंट करें साथ ही पुष्पगुच्छ कृपया पुष्पगुच्छ भेंट करें और साथ ही नंदी जो कि ढोकरा कला द्वारा निर्मित है और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के जो जनजातीय कलाकार हैं उनके द्वारा तैयार की गई है हमारे यहाँ कहा जाता है कि नंदी जो है वो समृद्धि का सूचक है बहुत बहुत धन्यवाद आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके जी से हम अनुरोध करेंगे कृपया माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्यक्रम मंत्री श्री जुआल ओराम जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें बहुत धन्यवाद आयोग के सचिव श्री ए के सिंह जी से निवेदन करेंगे आयोग के अध्यक्ष श्री नंद कुमार साई जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन करें श्री ए के सिंह जी से अनुग्रह आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके जी को पुष्पगुच्छ भेंट करने की कृपा करें और अब हम चेतन जी से निवेदन करेंगे आयोग के सचिव आदरणीय श्री ए के सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें बहुत धन्यवाद और अब हम स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन कर रहे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री नंद कुमार साई जी से श्री वेंकैया नायडू जी माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल राव जी आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके जी आयोग के सदस्यगण माननीय संसद सदस्यगण सचिव श्री ए के सिंह जी जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दीपक खांडेकर जी विभिन्न मंत्रालयों विभागों केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों से पधारे वरिष्ठ अधिकारीगण कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया के प्रतिनिधिगण देवियों और सज्जनों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के 15वें स्थापना दिवस पर आयोजित इस प्रथम व्याख्यान कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है आज ही के दिन वर्ष 2004 में संविधान के 19वें संशोधन के लागू होने के फलस्वरूप
पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ था। इस आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य देश के सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के करोड़ों लोगों का विकास, कल्याण, सुरक्षण एवं संरक्षण हेतु एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय की स्थापना था। इसके पीछे सरकार की मंशा यह थी कि अनुसूचित जनजातियों के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए और उनके निकट जाकर उनकी समस्याओं का अवलोकन कर सरकार को निराकरण के उपाय सुझाए जाएं। वर्ष 2004 में पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के समय तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय एवं विभिन्न राज्यों के संघ शासित क्षेत्रों में स्थित 18 क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का 2:1 में विभाजन किया गया। इसके फलस्वरूप इस नवगठित आयोग को कुल 1/3 उपलब्ध अधिकारी एवं कर्मचारी तथा 6 क्षेत्रीय कार्यालय प्राप्त हुए। यह 6 क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः भोपाल, मध्यप्रदेश, रायपुर, छत्तीसगढ़, जयपुर, राजस्थान, रांची, झारखंड, भुवनेश्वर, उड़ीसा तथा शिलांग, मेघालय में स्थित हैं। इस प्रकार आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थिति उपस्थिति संविधान की 5वीं अनुसूची में आने वाले कुल 10 राज्यों में से 5 में तथा संविधान की 6वीं अनुसूची वाले 1 राज्य में है। विगत 15 वर्षों में संवैधानिक प्रावधानों के तहत महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा आयोग में अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाती रही है और वर्तमान में यह 5वां आयोग है जो वर्ष 2017 के प्रारंभ से पूर्ण आयोग के रूप में अस्तित्व में आकर कार्यरत है। इन 15 वर्षों में आयोग ने संविधान, कानून अथवा सरकारी आदेशों के तहत अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त संरक्षणों के क्रियान्वयन के मूल्यांकन का कार्य किया है। इसके लिए उसने राज्य सरकारों, मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, निगमों, विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों, स्वायत्त निकायों आदि के साथ समीक्षा बैठकें की हैं। इन बैठकों में आयोग ने अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं कल्याण के लिए आवश्यक उपाय सुझाने एवं विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत की हैं। आयोग ने विगत 15 वर्षों में महामहिम राष्ट्रपति जी को 11 वार्षिक प्रतिवेदन तथा 1 विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से 8 प्रतिवेदन एवं 1 विशेष प्रतिवेदन गुड गवर्नेंस फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाने वाली कार्यवाही के ज्ञापन के साथ रखे जा चुके हैं। गत वर्ष आयोग ने आंध्र प्रदेश राज्य का दौरा कर पोलावरम सिंचाई परियोजना के कारण विस्थापित अनुसूचित जनजातियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए उपाय सुझाते हुए एक विशेष प्रतिवेदन महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया है। आयोग ने ओडिशा राज्य के जिला सुंदरगढ़ में स्थित राउरकेला स्टील प्लांट का दौरा कर विस्थापित अनुसूचित जनजातियों के लोगों के व्यवसाय पुनर्स्थापन तथा क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार एवं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अनुशंसाएँ की हैं। वर्ष 2017-2018 में आयोग ने कुल 9 बैठकें की, जिनमें अनुसूचित जनजातियों के को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण ड्राफ्ट कैबिनेट नोटों पर अपनी अनुशंसाएँ संबंधित मंत्रालयों विभागों को भेजी हैं। इसी दौरान आयोग ने रेलवे बोर्ड सहित कुछ मंत्रालयों, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, NTPC, ONGC, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत संचार निगम लिमिटेड, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट तथा भिलाई स्टील प्लांट जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं वित्तीय संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त संरक्षणों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इसके अलावा आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली आदि उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों एवं उनके अधिकारियों, कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं, संरक्षणों की भी मूल्यांकन किया है। इसी अवधि में आयोग ने देश के सुदूर
उत्तर पूर्व स्थित त्रिपुरा राज्य सहित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा एवं झारखंड राज्यों तथा लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों का दौरा किया और राज्य सरकारों के साथ अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं कल्याण संबंधी योजनाओं की समीक्षा बैठकें भी की। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2017-18 में आयोग ने पहली बार भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के सहयोग से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निवासरत विशेष रूप से कमजोर 5 जनजातीय समूहों के संरक्षण के उपायों पर चर्चा हेतु एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इसी वर्ष आयोग ने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के साथ मिलकर अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार और उनकी भूमि के हस्तांतरण के विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार का भी आयोजन किया। इन दोनों सेमिनारों में की गई संस्तुतियों को आयोग अपने वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करेगा। आयोग अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों एवं संगठनों से प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों के साथ साथ समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेकर संबंधित विभागों, राज्य सरकारों के साथ आवश्यक कार्यवाही करता है। इस क्रम में आयोग ने इस कई महत्वपूर्ण घटनाओं की जांच की तथा संबंधित विभाग, राज्य सरकार को अपनी अनुशंसाएँ भेजी। इनमें दिल्ली में झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति की नाबालिग बालिका के साथ उसके कार्यस्थल पर बलात्कार की घटना, केरल जिला पलक्कड़ में मधु कादुकमुना नामक व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या, श्री भरत लाल मीणा को भारतीय रेलवे में नियुक्ति दिलवाना, उत्तर पूर्व राज्य के अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को दिल्ली सरकार में स्टाफ नर्स में नियुक्ति दिलवाना, उत्तर प्रदेश राज्य में नवसृजित जिलों संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, चदोली तथा कुशीनगर में गौण एवं उनके समानार्थी समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु अनुशंसा करना शामिल है। इसके अलावा कुनकुनी छत्तीसगढ़ एवं बोरीविली मुंबई में अनुसूचित जनजातियों की भूमि अधिग्रहण तथा अहमदनगर नगर पालिका में अनुसूचित जनजातियों की भूमि को वापिस दिलाने हेतु आयोग सक्रियता के साथ मामले का परीक्षण एवं बैठकें आयोजित कर रहा है। आयोग को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें प्रमुख समस्या अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लंबे समय से नियुक्ति न होना तथा उनके संवर्गों का परीक्षण करना था। आयोग ने इस संबंध में कुछ सफलता भी प्राप्त की है। आयोग तथा जनजाति कार्य मंत्रालय मिलकर इन असुविधाओं को दूर करने के लिए प्रयासरत है। इन समस्याओं को दूर करने तथा संविधान के अनुसार प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आयोग को वित्तीय स्वायत्तता, बजट में बढ़ोतरी तथा संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा हिमाचल प्रदेश में आयोग की उपस्थिति हेतु 5 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की आवश्यकता है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि इस विषय पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कार्य शुरू भी कर दिए हैं। ऐसा ज्ञात हुआ है कि इस विषय और आशा है जनजातीय कार्य मंत्रालय अपना विशेष ध्यान देकर आयोग को शीघ्र मजबूत बनाएगा। इसके साथ ही आयोग जनजातियों के समग्र विकास में और बेहतर कार्य कर सके, इसलिए आयोग को स्वयं की भूमि पर निर्मित भवन की भी आवश्यकता होगी। बजट के अभाव में आयोग अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं कल्याण के लिए अनुसंधान करने में अक्षम है, अतः बजट में बढ़ोतरी करने से वह स्वतंत्र रूप से समय समय पर अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अनुसंधान करके और महत्वपूर्ण सुझाव उपाय दे सकेगा और अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर पाएगा। मैं पुनः भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी, जनजातीय कार्य मंत्री जी, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष महोदया एवं सदस्यगणों तथा सचिव जनजाति कार्य मंत्रालय, सचिव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों, मीडिया के प्रतिनिधियों का हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री नंद कुमार साय जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
और अब हम निवेदन करेंगे माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्यक्रम मंत्री श्री जोएल ओरम जी से. कृपया आए और अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें. महामहिम उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी, नेशनलिस्टी कमीशन के चेयरमैन नंद कुमार साय जी, वाइस चेयरमैन अनुसुईया उइके जी, सभी मेंबर्स, सेक्रेटरीज एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बाकी निमंत्रित सदस्य, एक्सपर्ट्स, मैं सबसे पहले अटल जी को श्रद्धांजलि देता हूँ आज का इस अवसर पर, जिन्होंने इस मंत्रालय को 1999 में उनका दोबारा जब भारत में प्रधानमंत्री के रूप में आए तो उस समय में इसको सोच के बहुत ही बढ़िया से निर्णय करके इसको कैबिनेट रैंक का दिया और स्वतंत्र मंत्रालय दिया. अब मंत्रालय बना पहला तो कठिन था. मैं तो 6 महीना हमको मैंने सेंट्रल सेक्रेटरीट में जगह ही नहीं मिला, लेकिन भूरेलाल जी हमारा पहला सेक्रेटरी थे, बड़ा हिम्मत वाला सेक्रेटरी, तो वो और दोनों हम लोग बीच बीच में प्रधानमंत्री जी को मिल के समस्या समाधान हुआ. और अभी हमारे 2 MSA, अब बजट भी बढ़ोतरी हुआ है, बाकी सब कुछ हुआ है. मंत्रालय का जब गठन हुआ, ये कमीशन का जब गठन के लिए बात हुआ तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना, आडवाणी जी उसका चेयरमैन बने और मैं मेंबर, मेनका गांधी जी मेंबर और हम लोग किया. तो स्वाभाविक है कि SC ST आयोग को 2 भाग करना है, तो SC के लिए 5 मेंबर का आयोग और ST के लिए 3 मेंबर का आयोग का सिफारिश हुआ. लेकिन अटल जी कैबिनेट में जब निर्णय हुआ उस समय में बोले कि नहीं, आप SC के 5 मेंबर का आयोग अगर होगा तो शेड्यूल ट्राइब के लिए क्यों 5 मेंबर का नहीं होगा, क्यों, कितना पैसा खर्चा होगा, और उन्हें 5 मेंबर का सदस्य इसको भी बनाया. मैं जानता हूँ कमीशन का थोड़ा फाइनेंशियल ऑटोनोमी, रीजनल ऑफिस चलाना, स्टाफ, ये सब तकलीफ है. सबसे तकलीफ तो है कि ये मंत्रालय शुरू हुआ था होम मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से चलते चलते आपका वेलफेयर मिनिस्ट्री हुआ, फिर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हुआ, फिर अभी ट्राइबल अफेयर्स एंड सोशल जस्टिस है. हमारा कैडर डिवीजन भी ठीक से नहीं हो पाया है. मैं फाइनल होके ये हुआ, कौन इसका फाइनल ये करेगा, ये भी तकलीफ हो रहा है. तो इसलिए पोस्टिंग करना और बाकी सब में थोड़ा तकलीफ हो रहा है. लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ नंद कुमार साय जी को, बहुत बढ़िया काम किया अनुसुईया उइके जी को और उनका टीम मेंबर सबको, काफ़ी दौरा किया है और कमीशन के बारे में लोगों को जानकारी दिया है, अवेयरनेस बढ़ा है और काफ़ी सहयोग हुआ है. आप लोग भी बहुत बहुत सहयोग किए हैं. एज ए मिनिस्टर अभी तो हम लोग का पार्लियामेंट तो खत्म हो गया, आगे का क्या होगा पता नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, लेकिन इस माने 5 साल में भी काफ़ी बजट हम लोग को दिया. केवल उस उतने ही नहीं, प्रधानमंत्री जी और एक चेंज किया, वो नीति आयोग का थ्रू में मॉनिटरिंग होगा TSP प्लान को. पहले हर मंत्रालय जितना TSP का पैसा है उतना खर्च करना चाहिए, 8.66 हर मंत्रालय इंक्लूडिंग होम ये सब है. तो उसमें से बहुत सारे नोशनल करते थे, एक माने नोशनल उसको अंदाज में इतना खर्च हो गया, ये एक रोड बन गया तो ये ट्राइबल एरिया में बन गया, ये हो गया तो एक ट्राइबल में बन गया, ऐसा होता था. अभी उसको नीति आयोग का थ्रू में मॉनिटरिंग करके कैबिनेट सेक्रेटरी उसका ये करके उसको कर रहा है. तो इसलिए हम लोग 1,27,000 करोड़ रुपया हम भारत सरकार का ट्राइबल के लिए खर्च कर रहे हैं. मंत्रालय का बजट 6,000 करोड़, लेकिन रियल स्पेंडिंग जो हो रहा है वो 1,27,000 करोड़ है. स्टेट को अगर मिलाएंगे और बाकी सबको मिलाएंगे तो हम 2,50,000 करोड़ ट्राइबल के लिए सालाना में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. ये जानना पड़ेगा, रिपोर्ट अच्छा आ रहा है. मैं नंद कुमार साय जी को और बाकी लोगों को धन्यवाद देता हूँ. महामहिम उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हमारा हमेशा मैंने फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, मैं खुल के बात कर सकता हूँ उनके साथ. पदवी के कारण कभी कभी हम बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाकी मैं टाइम लेके कर सकता हूँ और हमेशा गाइड किए हैं. वो समय निकाल के हमारा इस प्रोग्राम को आज गौरवान्वित किया है, हमको एक इम्पोर्टेंस दिया है, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मेरा वाणी को ही समाप्त करता हूँ. जय हिंद.
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय जनजाति कार्यक्रम मंत्री श्री जोयल ओराम जी आपके उद्बोधन के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं तो एक ओर जहां सरकार निरंतर प्रोत्साहित करती आई है ऐसे कार्यक्रमों को जिनसे ऐसी जनजातियों का उत्थान हो, उन्हें अधिक सुरक्षा मिले, संरक्षण मिले, संवर्धन मिले, वहीं दूसरी ओर हम जानते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी निरंतर इस दिशा में कार्य कर रहा है। आयोग ने इस बार एक अनूठी पहल की है जिसके अंतर्गत जो विभिन्न संगठन हैं, सरकारी उपक्रम हैं, बैंक आदि जिस प्रकार से या फिर कोई व्यक्तिगत रूप से इस दिशा में सहयोग कर रहा है, प्रोत्साहन कर रहा है, उल्लेखनीय कार्य कर रहा है, तो उन्हें आयोग ने सम्मानित करने का इस बार से प्रयास शुरू किया है। और इसके अंतर्गत इस बार NCST लीडरशिप अवार्ड 2019 दिए जाएंगे जिसमें हमने 3 श्रेणियां निर्धारित की हैं, जिसके अंतर्गत संस्थान, केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम और इसके अलावा पब्लिक सर्वेंट। ये 3 श्रेणियां हैं जिसमें हम सबसे पहले श्रेणी की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को शामिल किया गया है और इस बार ये अवार्ड दिया जा रहा है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ऑफ भुवनेश्वर ओडिशा, विच इज़ अ प्राइवेटली फंडेड फुली रेजिडेंशियल एंड फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सक्लूसिवली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रन इन द कंट्री। It provides holistic education to more than 27,000 tribal students in a unified campus from kindergarten to postgraduate level, along with lodging, boarding, and healthcare facilities. Apart from education, Kalinga Institute of Social Science also provides excellent opportunities in sports, skill development, and also imparts career counseling and livelihood trainings for the tribal children. Started as a residential tribal school with 125 students in the year 1993, the institute has grown to become first ever tribal university in private sector on 26th of August 2017. Kalinga Institute of Social Science, Bhubaneswar is a living example in philanthropy and dedicated service for educating poor tribal children in the country. And now we would request Honorable Vice President Sir, आप कृपया इनको सम्मानित करें। और वी वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अच्युता सामंत, फाउंडर ऑफ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टू प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, अब डॉक्टर अच्युत सामंत को सम्मानित करेंगे NCST लीडरशिप अवार्ड 2019 की फर्स्ट कैटेगरी के अंतर्गत। आपको बताना चाहेंगे दूसरी श्रेणी है केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, बैंक इत्यादि, और इस बार इस अवार्ड के लिए चुना गया है रांची के सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को, जो भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अंतर्गत एक लोक क्षेत्र उद्यम है। सितंबर 2015 के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ने झारखंड सरकार के सहयोग से अपने CSR कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी 9 प्रकार के खेलों में अप्रैल 2016 से रांची में एक अति आधुनिकतम स्टेडियम का परिचालन कर रही है। सोसाइटी इस वर्ष से और 6 ओलंपिक खेलों को जोड़ने की योजना बना रही है। आपको बताना चाहेंगे इसके अंतर्गत अब तक 344 खिलाड़ी, जिनमें 188 लड़के तथा 156 लड़कियां हैं, उन्हें अकेडमी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है तथा उन्होंने, इसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगी, उन्होंने राज्य स्तर पर 210 मेडल तथा अंचल एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में 30 मेडल जीते हैं। इस अकेडमी की मुख्य विशेषता यह है कि अब तक चुने गए 344 खिलाड़ियों में से 195 खिलाड़ी, लगभग 56% अनुसूचित जनजातीय वर्ग से संबंधित हैं, जो खुली, पारदर्शी तथा कड़ी प्रतिस्पर्धा से आए हैं और उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री गोपाल सिंह जी को, कृपया आएं और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के करकमलों से पुरस्कृत होने का सौभाग्य प्राप्त करें।
And now we will move on to the third category, which is public servant. And we would like to invite onto stage Dr. Pranab Kumar Sarkar, who is working as tribal welfare officer at Jirkatang in Andaman Adam Janjati Vikas Samiti under Andaman and Nicobar Islands Administration. Dr. Pranab Kumar Sarkar, please come onto the stage. During his 18 years of dedicated service, Dr. Sarkar has worked closely with all the particularly vulnerable tribal groups, that is PVTGs, of Andaman and Nicobar Islands. He was in charge for the settlement of Ongis and Great Andamanese. He was also a member of contact expedition of Sentinelese tribe. Because of his endearing approach towards PVTGs, almost all Jarwa children in Jirkatang area have abhorred hostility and taken to non-formal education, which was an extremely challenging task. आप तीनों को बहुत-बहुत बधाई और हम माननीय उपराष्ट्रपति जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे। आप जानते हैं भारत की स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं, तो ये विश्व के महान ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। आजादी के मतवालों ने अनेक वर्षों तक संघर्ष किया और अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। मां भारती के वीर सपूतों में जनजातीय वीरों और लोक नायकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इनमें महाराणा पूंजा भील व उनकी टोली, महारानी दुर्गावती, अमर शहीद वीर बुद्धू भगत, जबरा पहाड़िया लड़ाका महावीर तिलका मांझी, परमवीर भगवान बिरसा मुंडा, अप्रतिम योद्धा सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, महान लड़ाका मामा टंटिया भील, महाराणा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, शहीद वीर नारायण सिंह, भूमकाल के अमर प्रणेता वीरवर गुंडा घूर आदि महावीरों की एक बहुत लंबी सूची है जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया और योगदान किया। आयोग द्वारा इन अमर योद्धाओं में से कुछ की गाथा को हमने एक पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। अब हम माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से निवेदन करेंगे, कृपया इस पुस्तक का लोकार्पण करें, जिसका शीर्षक है जनजातीय स्वाधीनता संग्राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो पुस्तक है आप सबके लिए भी उपलब्ध होगी, आप इसको पढ़ के जो भी अनुसूचित जनजाति के योद्धा हैं उनके विषय में जान पाएंगे। और अब हम हमारे आज के आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी से विनम्र निवेदन करेंगे, कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सबको कृतार्थ करें। केंद्र सरकार में जनजातीय विभाग का मंत्री वरिष्ठ नेता श्री जुअल भाई ओराम, इस आयोग का अध्यक्ष वरिष्ठ जनजातीय नेता डॉक्टर नंद कुमार साय, उपाध्यक्ष श्री सनसुईया ओके, सचिव ए के सिंह, सदस्य कमीशन का सभी सदस्य अधिकारीगण और आज का सम्मान ग्रहीता तीन महान भावों को हमने चुना, वो सभी महान भाव आज का इस समारोह में आए हुए सभी बहनों और भाइयों, ये संविधान और जनजातीय राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की स्थापना दिवस के अवसर पर अपने उद्बोधन का प्रारंभ श्रद्धेय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का पावन स्मृति को प्रणाम करके करना चाहता हूँ। एक वरिष्ठ अनुभवी राजनेता के रूप में अटल जी ने भारत की जनजातियों को राष्ट्र की मूल धारा में लाने के लिए, उनसे जुड़े तमाम मुद्दों का समाधान करने के लिए नए जनजातीय कल्याण मंत्रालय का गठन किया था। 2004 में उन्होंने पृथक राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की स्थापना की। आज ये दोनों संस्थान देश के जनजातीय कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे।
अटल जी साहित्य शिल्पी थे, वे राष्ट्र नेता थे, उनके चिंतन में विस्तार था, उदारता का गहराई भी थी, जिसमें भारत की हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता, उसकी विविधतापूर्ण संस्कृति, उसकी अनगिनत भाषाओं के साहित्य को आत्मसात करने के लिए महान क्षमता भी था। इसी कारण उनके व्यक्तित्व में गंभीरता, व्यंग्य, सरलता और कठोर निर्णय लेने का क्षमता जैसे विरोधाभासी गुण भी सहज ही प्रतीत होते थे। पीपल यूज्ड टू से श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी इज वेरी सॉफ्ट, यस सॉफ्ट मैन, व्हेनेवर देयर इज नीड ही कुड टेक स्ट्रांग decisions also. For example, Pokharanin is one such decision he has taken to go for nuclear in spite of so much pressure by the so-called powerful nations. Atal ji Bharat mein sampark kranti ke sutradhar bhi the aur Pokharanin mein operation shakti ke bhi unke virat vyaktitva mein shanti aur shakti donon ka adbhut suyog tha. Shanti aur shakti, मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे ऐसे राष्ट्र नेता के साथ काम करने का अवसर मिला है। मैं कुछ देर के लिए उनका मंत्रिमंडल में मंत्री था, ग्रामीण विकास मंत्रालय का संभालते थे, और कुछ समय उनके साथ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते काम करने के भी मुझे अवसर मिला है। मित्रों, श्रीमान वाजपेयी विल बी रिमेम्बर्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री एज द person who is responsible to bring connectivity revolution in the country. Air connectivity, rail connectivity, highway connectivity, rural connectivity, tele connectivity, television connectivity, port connectivity, political connectivity, उन्होंने लाया और देश के सामने प्रस्तुत किया है. All these airports, Delhi, Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, all airports were initiated by him. And not only that, even the so-called the Shatabdi Express, Janashatabdi Express, so many other super fast trains were introduced by him. And thirdly, the national highway, Chennai to Calcutta, Calcutta to Delhi, Delhi to Mumbai, Ahmedabad, Bengaluru, Krishnagiri, Dharmapuri, Kanyakumari, four-way highway. 50 saal mein ek way, 5 saal mein char-way highway nirman karke unhon dikhaya. Swarna Chaturbhuja Yojana, Golden Quadrilateral Project. I very well remember, I cherish that memory. I was Minister of Rural Development. When I saw Atalji starting this national highway program, an idea came to my mind, why not a rural road, panchayat road? When I started discussing with others, everybody discouraged me, saying that, Venkaiah ji, to Rashtriya Rajmarg Kendra Sarkar ka daayitva banta hai. Magar panchayat ka sadak banana, wo to panchayat ka kaam hai, nahi to jilla parishad ka kaam hai. To Kendra Sarkar aisa इसमें कैसा क्या कर सकते। तो मैंने अटल जी से मिला, अटल जी को कहा, वित्त मंत्री से मिला, उनको समझाने की कोशिश किया, मगर शुरू शुरू में इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला। लोग ने कहा ये तो नेशनल हाईवे के लिए कम से कम पैसा टोल गेट के द्वारा मिलेगा, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर होगा, पैसा वापस आएगा, मगर पंचायत में सड़क बनाए तो आपको कौन देंगे पैसा वापस, पंचायत में टैक्स करे तो आपको एक्स करेंगे गाँव का लोग, वो तो संभव है नहीं। तो मैं थोड़ा निराश हो गया, फिर बाद में मैंने अटल जी से मिला, अटल जी को बताया, सर ये है इतिहास में आपका नाम रचा पाएंगे और सर शेरिफ सूरी के बाद आप ही ऐसी इनिशिएटिव ले रहे, क्रांतिकारी कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन ला रहे। तो अटल जी ने कहा फिर अगला कैबिनेट में समझाने के लिए कोशिश करेंगे। कैबिनेट में गया तो बात कर रहे थे, तो अटल जी ने कहा वेंकैया जी आपका शेरी में इनको समझाने के लिए कोशिश करिए। तो मैंने कहा भाई देखिए, गांव के लिए सड़क नहीं है तो व्यापारी नहीं आएगा, उद्योगपति नहीं आएगा, कोई भी गांव में आएगा नहीं। तो मैंने कहा गांव के लिए सड़क बहुत जरूरी है, सड़क नहीं है तो VDO, BDO, DDO, ADO, करेक्टर, डॉक्टर, एक्टर, ट्रैक्टर कुछ नहीं पहुंचेगा गांव में। ये कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है ना, सब्जी बाहर भेजना, दूध बाहर भेजना, सब गांव में जो भी हम लोग उत्पन्न करते पैदा करते उसको बाहर भेजना है तो उसके लिए सड़क चाहिए। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया। और अटल जी का दूरदर्शिता, द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। महात्मा गांधी ने कहा ग्राम राज्य के बिना राम राज्य अधूरा है।
उसी सूत्र को पकड़ के श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्रामीण सड़क योजना और टेलीकॉम रेवोल्यूशन, पूरा देश में कितना फोन है, और साथ ही साथ उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया टेलीविजन में। पहले टेलीविजन एक ही होते थे, जब मैं विधायक बना बाहर गया तो सिंगापुर में देखा इतना चैनल, इंडिया में एक ही चैनल था दूरदर्शन, दूर से दर्शन करना, ब्लैक एंड व्हाइट देखना। उस समय की स्थिति वो था। फिर उन्होंने हजार चैनल्स, कितना चैनल्स है याद रखना भी मुश्किल है, ये देखो सामने भी कितना चैनल्स। तो ये क्रांतिकारी पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट्स के साथ जोड़ना, सागरमाला समुद्र में सभी पोर्ट्स को अनुसंधान करने का काम, पॉलिटिकल भी उन्होंने 23 पॉलिटिकल पार्टीज को साथ रहकर सरकार बनाया, 23 पॉलिटिकल पार्टीज, तमिलनाडु में डीएमके, पीएमके, एडीएमके, एडीएमके अम्मा, कर्नाटक में लोक शक्ति, और ये आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, और पंजाब में अकाली दल, उड़ीसा में बिजू जनता दल, बिहार में समता, बंगाल में ममता, पूरी देश में भारतीय जनता, ऐसा करके उन्होंने एक समझौता लाया। पूरा 23 पॉलिटिकल पार्टीज को साथ रख के सरकार चलाना कोई मामूली विषय नहीं है, अब उनमें इतना क्षमता था। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है, लेकिन एक युवा राष्ट्र है। 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज बिलो 35 years. I'm happy that lot of youngsters are here in this meeting also. We have a demographic dividend. Shatabdiyon se Bharatiya sabhyata nayi soch, nayi avadharanaon aur nayi prabhavon ko apnane aur atmasat karke majboot kiya hai. Phir bhi hamara sanskriti ke moolabhoot siddhant in bhinn bhinn prabhavon ke bavajood akshun rahe hai. Vasudhaika kutumbakam, ya pura vishwa hi mera parivar hai. भारतीय संस्कृति की विशेषता का एक अद्वितीय उदाहरण है अपनी विविधताओं के बावजूद। स्वतंत्र के बाद हम भारत को लोगों ने प्रजातांत्रिक व्यवस्था का तहत राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता और एकता आदर्श स्वीकार किया है। हमारे देश में 700 से ज्यादा भाषाएं हैं, वेश भी अलग अलग है लोगों का। भी हमने देखा तो नागालैंड का इन्होंने जो हमको प्रेजेंट किया, बैंड किया, उनका पद्धति, ये पूरा देश में विविधता में एकता भारत का विशेषता, अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश, ये हमारा विश्वास। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज ट्रेडिशन विच इज गिवन बाय आवर फोर फादर्स। वी हैव टू प्रिजर्व दैट कल्चर एंड हियर टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ट्राइबल्स आदिवासी मूलतः निवासी दिस their versatility in adopting ecosystem of this their region tribal people traditions and cultures encompasses all aspects of diverse cultures traditions of people of india that is the speciality of the tribals ye mool nivasi hai yah baat isko darshata hai ki bharat sabhi sanskrutiyon dharmon aur jatiyon ke sath rehte hue nirantar samavashi विकास एवं प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। मित्रों, अंग्रेजी शासक जनजातियां आदिम जाति जैसे शब्दों का प्रयोग मुख्यधारा से अलग निर्वासित लोगों के समूह के लिए करते थे। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भारत के प्राचीन समुदायों के प्रति अंग्रेजों का तिरस्कार को व्यक्त करता था। वही भारतीय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय मूल धारा में उनका समावेश के प्रावधान किए। संविधान सभा में जनजातीय समुदाय से 6 सदस्य थे, फिर भी वे अपना विचारों को सामने रखने में प्रतिभाशाली और मुखर थे। 19 दिसंबर 1946 को बिहार से श्री जयपाल सिंह जी ने संविधान एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर अपने विचार रखे, जो जनजातीय समाज के भावनाओं और अपेक्षाओं को व्यक्त करते हैं। उन्होंने जो कहा उसी में यह उद्धृत करते हुए, महोदया मेरे लिए जंगली होना गर्व की बात है, उन्होंने कहा। यह वही नाम है जिसके द्वारा हमारे देश की अपने हिस्से में जाने जाते हैं। इन समुदायों की लंबी लोकतांत्रिक जीवन शैली के बारे में उन्होंने कहा, कोट, आप जन जातीय लोगों को लोकतांत्रिक नहीं सिखा सकते हैं, आपको तो उन लोगों से लोकतांत्रिक और तरीकों को सीखना है। वे धरती पर सबसे पुराना लोकतांत्रिक लोग हैं।
उन्होंने नया भारत से अपेक्षा की कि अब हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है, स्वतंत्र भारत का एक नया अध्याय जहां अवसर की समानता होगी, जहां किसी का भी उपेक्षा नहीं होगी, मेरे समाज में जाति पर कोई सवाल नहीं होगा, हम सब बराबर होंगे, ऐसा उन्होंने कहा उस समय। यह विचारना है कि हम क्या जयपाल सिंह जी का आशावों पर खरे उतरे हैं। तत्पश्चात संविधान सभा ने दो उपसमितियों का गठन किया, जिसमें से एक असम की उत्तर पूर्व सीमांत के आदिवासी क्षेत्रों के लिए थी, जिसका अध्यक्षता श्री गोपीनाथ बारडोली ने की, तथा दूसरी उपसमिति असम के अलावा अन्य जातीय जनजातीय और अंशिक रूप से जनजातीय क्षेत्रों के लिए थी, जिसका अध्यक्षता श्री एवी ठक्कर ने की। दोनों उपसमितियों ने संविधान सभा में एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट द्वारा भारत के संविधान में पांचवी और छठी अनुसूचित क्षेत्रों का के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया है। हमारे संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य के राज्यपाल उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासन पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का ब्यौरा दिया जाता है। ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखी जाना चाहिए। मैं सलाह दूंगा कि इन रिपोर्टों का संसदीय समिति द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आज मेरा समक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत किया नंद कुमार जी ने पूरा ब्यौरा। आई वुड सजेस्ट दैट द गवर्नर्स रिपोर्ट ऑन शेड्यूल एरियाज मस्ट बी लेड ऑन द टेबल ऑफ पार्लियामेंट एंड द हाउस एंड द पार्लियामेंट्री कमिटी मस्ट एग्जामिन देम इन डेप्थ। दिस इज माई सजेशन। 15 वर्षों के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने देश की अनुसूचित जनजातियों को हितों के रक्षापायों के लिए काफ़ी कार्य किया है। वंचित वर्गों के लिए यह आशा की किरण है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मित्रों, हमें स्थानीय जनजाति समुदायों के प्रति अपनी अवधारणा को बदलना होगा। ये जीवंत समाज है, ये आकांक्षी समाज है, इसके जीवंत परंपरा है जिसमें जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पिछले सप्ताह मुझे प्रयाग कुंभ के अवसर पर किवा कुंभ में सम्मिलित होने का अवसर मिला। विश्व के लगभग 50 देशों के जनजातीय समुदाय के नेताओं से पर्यावरण प्रकृति सम्मत विकास पद्धति पर विमर्श करने का अवसर मिला है। मुझे ज्ञात हुआ कि किस प्रकार से विश्व भर के जनजातीय समुदाय प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए तत्पर है, किस प्रकार हमारे प्राकृतिक संसाधनों को दोहन पर आधारित आर्थिक चिंतन के विकल्प के रूप में उनका पारंपरिक विकास की पद्धति, उनकी पारंपरिक तकनीकें प्रकृति सम्मत है। मित्रों, यदि ध्यान से देखो तो प्रकृति और उसके रूपों का प्रति आदर का संस्कार हर स्थानीय समाज में पाया जाता है। पूजा पद्धति भिन्न हो सकती है, परंतु प्रकृति और पर्यावरण के प्रति आदर का भाव हर जनजातीय समुदाय में समान है। विभिन्नताओं में एकता, इससे उत्कृष्ट उदाहरण नहीं मिलेगा। आज जब हम पर्यावरण सम्मत विकास प्रणाली को खोज रहा है, अपने पर्यावरण के प्रदूषण से चिंतित है, जंगलों और जल स्रोतों को नष्ट होने से चिंतित है, पर्यावरण संरक्षण की जनजातीय तकनीकें प्रकृति के प्रति उनके संस्कार हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। एज वी लुक फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज वी कैन लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल्स एंड टेक्निक्स ऑफ दीज ग्रुप्स। वी विल हैव टू गिव अप दिस फैब्रिक दैट शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर बैकवर्ड। वी मस्ट हॉनर एंड एक्सेप्ट देयर ट्रेडिशंस एंड लाइफ स्टाइल्स। इट इज नॉट ओनली एसेंशियल सोशल कर्टसी बट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हम यह घमंड छोड़ना होगी, जनजातियों पिछड़ी होती है, जनजातियों की समृद्ध परंपरा है, उसका आदर करना होगा। ये न केवल सामाजिक नागरिक शिष्टाचार है, बल्कि हमारा संवैधानिक संकल्प भी है। जैसा कि दीनदयाल जी ने कहते थे, हमने आर्थिक प्रगति के नाम पर सामाजिक और पर्यावरणीय विकृति को मोल लिया है। इससे छुटकारा हमारी समृद्ध जनजातीय परंपराओं दिला सकती है। जब हम अपने शांति मंत्र में पृथ्वी, अंतरिक्ष, अग्नि, जल, औषधियों और वनस्पति का शांति के कामने करते हैं, तो हम हमारे स्थानीय समुदायों की जीवन शैली से
प्रेरणा देनी चाहिए. मित्रों, भारत जैसी से बदल रहा है. आज हम विश्व की सबसे तेज अर्थव्यवस्था है. विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं भारतीय के प्रगति में विश्व की उन्नति देखी रही है. रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म हमारा मंत्र है, प्रधानमंत्री ने कहा है. रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म. ट्रांसफॉर्म द नेशन, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड. ट्रांसफॉर्म द लाइफ्स ऑफ द पीपल, मेकिंग द पीपल्स लाइफ मोर कंफर्टेबल. मोर कंफर्टेबल, प्रॉस्पेरिटी अलोन इज नॉट द एम. अलॉन्ग विथ प्रॉस्पेरिटी यू नीड टू गिव पीपल हैप्पीनेस. If there is tension, you cannot have an attention. Peace is prerequisite for progress. इसलिए शांति के लिए हम सब लोग मिलकर काम करना चाहिए. अलग भाषा, अलग वेश, जैसा मैंने कहा, मगर सब एक है. Irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one, one nation, one people, one country. That feeling should be developed among all the people of the country. This is very much important. Because बीच में हमको क्या हुआ, ये पराई पालन के कारण से, कर्णियर रूल के कारण से बाकी लोग आए, हमारे देश के ऊपर हमला किया, यहाँ का संपत्ति लूटा, और साथ ही साथ हमारा संस्कार के ऊपर भी उनका प्रभाव रहा. दे हैव नॉट ओनली रूइंड अस, दे हैव रूल्ड अस एंड रूइंड अस, रूइंड सम ऑफ अवर माइंड्स ऑल्सो. दैट इज अ प्रॉब्लम नाउ. सो वी हैव टू गेट बैक टू अवर रूट्स. वी हैव टू रिमेंबर अवर कल्चर. वी हैव टू रिमेंबर अवर ट्रेडिशन. वी मस्ट लिव दैट वी आर ऑल एंड बिलीव एंड वर्क that we must all together, no discrimination on the basis of caste, no discrimination on the basis of religion, no discrimination on the basis of region, no discrimination on the basis of gender. Women are equal partners. Adikal se, Vedakal se, Punyakal se, Puranakal se, Purvajana, Jiya aur Diya, Virasat mein mila humko Bharatiyata, usi ko kayam rakhna chahiye. Sarve jana sukino bhavantu. Vasudhaika Kutumbakam, the entire world is one family. That is the philosophy of India. So we should follow that philosophy, preserve that philosophy. Discrimination on the basis of caste is against the national ethos, against the constitution. Kisne kaha ye uchcha jati hai, nimna jati hai? Bhagwan ne aisa kuch kaha hai kya? Vedon mein hai kya? Upanishadon mein hai kya? Jo beech mein aaya ye bhed bhavana, ye beech mein hi jana chahiye. Uske liye hum sab log पूरा वचनबद्ध होके प्रयास करना चाहिए. वी शुड एंड दिस. एंड महिलाओं को, कुछ लोग कहते सर महिला का वो, महिला हमारा भारतीय परंपरा में घर में रहना चाहिए. किसने कहा? मैत्रेयी, गार्गेयी उस समय, आप उपनिषद पढ़िए, आके समाज को प्रवचन देते थे उस समय. आपका पुराणों देखिए, रामायण में देखिए, महाभारत देखिए, नहीं तो अन्य पुराण देखिए. सरस्वती शिक्षा, पार्वती रक्षा, लक्ष्मी फाइनेंस. उस समय फाइनेंस मिनिस्टर लक्ष्मी, मिनिस्टर माने सिस्टम है, उतना इंपॉर्टेंस देते लक्ष्मी. तो ये दिस इज द परंपरा. देश में यू टेक द रिवर्स ऑफ द कंट्री. देश का महानदियों के नाम देखिए, गंगा, कावेरी, यमुना, महानदी, नर्मदा, तपती, महेंद्र, तनया, सभी नाम महिलाओं के नाम पे. देश का नाम भी हम लोग कहते हैं भारत माता, कहते हैं भारत पिता नहीं कहते हैं ना, भारत माता वंदनम. बिकॉज दैट इज द रेस्पेक्ट वी यूज्ड टू गिव टू द वुमन. वी मस्ट फॉलो द ट्रेडिशन. वी मस्ट गिव इक्वल रेस्पेक्ट टू वुमन. सम पीपल से सर ये लोग कुछ मालूम नहीं. आपको सब मालूम है क्या? कुछ लोग कहते हैं ये तो आदिवासियों के बारे में ऐसे ही कहा. आपसे ज्यादा मालूम है उनको, समझ लीजिए. और कुछ लोग कहते सर ये सरपंच बनाया आपने, मगर वहां सरपंच नहीं बैठ रहे, सरपंच का पति बैठ रहे, सरपंच पति, हस्बैंड ऑफ द सरपंच. मैंने उनको समझाया, देखो बाबू कुछ दिन उनको मौका दो, समझने दो, सरपंच पति का गति क्या होगा आपको समझ में आएगा. इसको प्रोत्साहन करना चाहिए. दे आर 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. हाउ कैन यू इग्नोर देम? How can you keep them backward? They must be brought into the mainstream of the national life. They should be given equal opportunities. If you give equal opportunities, Indira Nui, Arundhati Bhattacharya, State Bank of India, pane chairman tha, Kalpana Chawla, abhi Gopinath, oh,
Karnataka Mahila International Monetary Fund ka chief economic advisor bana. International Monetary Fund chief economic advisor from India, from Karnataka, Mahila. So this is the capacity there. We should encourage this and we should end all these discriminations. Hamara aisi desh ki ek badi janajati sankhya ki aakankshaon ko kaise nazarandaz kiya ja sakta hai aaj in vargon ke yuva नवकौशलों में प्रशिक्षण ले रहा है इन वर्गों के युवाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर प्रशासन की मूल धारा में लाया जा रहा है जनधना मुद्रा स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से युवाओं को अपने पारंपरिक व्यवसायों को उद्यमों से परिवर्तित करने का अवसर दिया जा रहा है सरकार ने हाल ही में कई वित्तीय समावेश ने पहलों की शुरुआत किया है एनसीएसटी को इन पहलों की समीक्षा करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को देश की वित्तीय समावेश ने व्यवस्था के दायरे में लाने के लिए अपेक्षित उपायों पर सुझाव दे सके यह जनजातियों को सशक्त बनाने के लिए और योगदान होगा इंक्लूसिव ग्रोथ दैट इज द रिक्वायरमेंट नाउ इंक्लूसिव ग्रोथ ब्रिंगिंग एवरीबडी इन टू द बैंकिंग सेक्टर रीचिंग द अनरीच्ड funding the unfunded, recognizing the unrecognized, even in Padma Awards. This is how the Prime Minister is trying to bring a transformation in the country. 36 crore bank accounts, something unheard in the country's history. 36 bank, jo bank account kholna shuru kiya, kuch logon ne mazak udaya, paisa nahi hai to account kholne mein matlab hai kya sir? Is desh mein paisa hai ka? Abhi dekho kitna paisa hai bankon mein. Aur jo log mazak uda rahe the, बैंक खाता खोलने के संदर्भ में उनको समझ में आया बैंक का खाता कितना महत्व होता है 2016 नवंबर 8 तारीख शाम को जब प्रधानमंत्री बोलने लगे इनको समझ में आया हाँ बैंक अकाउंट और अपना ड्राइवर से अपना अकाउंटेंट से अपना कुक से अपना सर्वेंट से पूछने लगे अरे भाई आपके पास बैंक अकाउंट है ना कुछ दिन के लिए मेरा पैसा उसमें रख सकता हूँ क्या ऐसा ओपनिंग बैंक अकाउंट इज एन एम्पावरमेंट of the poorer people, people who have been kept away from this so far. It's an important aspect of the public life. One has to understand that. And given Padma Awards also you have seen, people whose name you never heard, recognizing the unrecognized. That is the way forward. We must bring the talent, hidden talent in the rural areas, in the tribal areas, to the fore and present it to the nation. That's, I'm very happy I have been to KISS University in Bhuvaneswar, 27,000 children, tribal children are getting educated. And also being encouraged to take part in sports. Sports, Adivasi children, tribal children, they really excel because they have the original strength, unpolluted mind. Because mind mein tension bhi kam hota hai. Tension kam hai toh attention jyada hota hai. So mitro, हमें यह संतुलन बनाना होगी जनजातियों के संरक्षण देने के नाम पर हम कहीं उनका विकास की मूल धारा से अलग ही न कर दें उनकी नव आकांक्षाओं को संरक्षण का संकीर्ण दायरे में ना बांधे दे कुछ लोग कहते हैं अरे उनको वहीं रहने दे वही कोई जाना नहीं उनको यहाँ आने नहीं देना मतलब क्या है उनको भी जनजीवन स्रवंती में लाना है उनको शिक्षा देना है उनको प्रोत्साहन करना है उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी सिखाना है उनको स्किल डेवलपमेंट में परिधि में लाना है उनमें जो ताकत है क्षमता है उसको हम लोग समझ के प्रोत्साहन करने के लिए प्रयास करना चाहिए आवश्यकता है कि बृहत्तर समाज के परिवेश इन युवाओं की आकांक्षाओं संस्कार और संस्कृति को सहर्ष स्वीकार करे इनकी परंपराओं और आकांक्षाओं की अपने स्पष्ट विकास नीति में स्थान देते तभी सबका साथ सबका विकास का संवैधानिक संकल्प पूरा होगा वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस between protecting their cultural heritage and their urge and expectation for development. They should become pirates, they should become scientists, should become actors, they should become doctors. That should be the aim. We should encourage them. And we cannot isolate them from national mainstream in the name of protection. The youth must get opportunity to voice and realize their aspirations and expectations. The government has begun massive campaign for financial inclusion through Janadhana, through Mudra, to Stand Up India. We need to make our development inclusive to realize the ideas of Sabka Saath, Sabka Vikas. Mitrom, aaj desh ke samne agenda ye hona chahiye, inclusive growth. Desh ke samne agenda ye hona chahiye, poverty alleviation.
देश के सामने एजेंडा ये होना चाहिए सामाजिक समरसता, देश के सामने एजेंडा ये होना चाहिए इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को कम करने का प्रयास होना चाहिए, देश के सामने एजेंडा ये होना चाहिए एंडिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ जेंडर, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, दिस शुड बी अवर नेशनल एजेंडा। और साथ ही साथ हम सब लोग मिलकर प्रकृति के साथ मिलकर जीना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ लव एंड लिव विद द नेचर, लव एंड लिव विद द नेचर, बिकॉज नेचर कल्चर टुगेदर फॉर बेटर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। और अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए निवेदन करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके जी से। महामहिम उपराष्ट्रपति जी श्री वेंकैया नायडू जी, माननीय श्री जुएल ओराम जी, जनजाति कार्य मंत्री, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर नंद कुमार साहे जी, माननीय संसद सदस्यों, आयोग के माननीय सदस्य श्री हरिकृष्ण दामोर जी, श्री हर्षद भाई बसावा जी तथा श्रीमती माया चिंतामन युवनाते जी, श्री दीपक खांडेकर जी सचिव जनजाति कार्य मंत्रालय, आयोग के सचिव श्री ए के सिंह जी, आयोग के पूर्व सचिव तथा अन्य पूर्व अधिकारीगण, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से पधारे माननीय पदाधिकारीगण, विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्य निर्देशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभाग से आए अधिकारीगणों, राज्य सरकारों से आए सचिवों तथा अधिकारीगणों, जनजाति शोध संस्थानों से आए निर्देशक तथा अधिकारीगण, विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से आए कुलपति एवं अन्य पदाधिकारी, CPSU, CPSI बैंकों से आए अधिकारीगण, जनजाति कार्य मंत्रालय के अधिकारी, राइफेड, NSTFDC उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के अधिकारीगण एवं कलाकार तथा मीडिया के पदाधिकारियों एवं उससे संबंधित लोगों तथा उपस्थित सभी भाई बहनों को आयोग के प्रथम स्थापना दिवस व्याख्यान समारोह में उपस्थित होने के लिए मैं उनकी आभारी हूँ और हृदय से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं महामहिम उपराष्ट्रपति जी को इस अवसर पर व्याख्यान देने तथा समारोह में उपस्थित होकर समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए उन्हें मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आयोग की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन एवं व्याख्यान में अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए जो भी कार्यक्रम और नीतियाँ सुझाई है उन पर आयोग अपने कार्यकाल की शेष अवधि में तत्परता के साथ कार्य करेगा। मैं एक बार फिर महामहिम उपराष्ट्रपति जी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट करती हूँ तथा समारोह में पधारे अन्य गणमान्य अधिकारियों तथा भाई बहनों का भी धन्यवाद देती हूँ। मैं उपराष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों को भी सहयोग के लिए उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस समारोह को सफल बनाने के सभी उन लोगों का जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। समारोह की सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस को भी धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मैं अपनी ओर से भी महामहिम उपराष्ट्रपति जी, मुझे बहुत एक सौभाग्य मिला 2006 से 12 में आप राज्यसभा सांसद के रूप में मैं भी थी और आपका समय समय पर जो आशीर्वाद और जो मार्गदर्शन मुझे मिलते रहा है उसके लिए भी मैं आपकी बहुत ही कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। और आप ने जो भी कुछ हमारे आयोग के प्रति जो कुछ सुझाव दिया है और हम निश्चित रूप से
आपके इस सुझाव पर हम पूरी तरह से आयोग तत्परता से कार्य करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय हमारे आयोग के अध्यक्ष और पूरे हमारे आयोग के अधिकारी कर्मचारियों को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये पहला अवसर है हमारा। ये जब से आयोग का स्थापना दिवस हुआ है तब से ऐसा कोई भी कार्यक्रम का समारोह नहीं हो पाया था, लेकिन आपकी जो स्नेहपूर्ण स्वीकृति ने हमारा मनोबल बढ़ाया यहाँ पर इस समारोह में भाग लेने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सुश्री अनुसुईया उइके जी, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और अब हम सबसे निवेदन करेंगे, कृपया राष्ट्रगान के लिए आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना जम्मा उत्सल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे आयोग के सदस्यों से निवेदन, कृपया आप सब मंच पर आएं। आप सभी का धन्यवाद। कृपया आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें।